वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। दोस्तों चमत्कारी टोटके चैनल में जहां हम आपको बहुत सारे चमत्कारी टोटके और असरदार उपाय दिखाते हैं, वहीं हम आपको बहुत सी रोचक जानकारी भी देते हैं जो आपको एंटरटेन करती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी। दोस्तों आप सभी ने महाभारत की कहानी तो जरूर पढ़ी होगी और दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों ने महाभारत टीवी सीरियल भी जरूर देखा होगा, जिसमें युधिष्ठिर अपने चार भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में हार जाते हैं। दोस्तों ये तो थी बीते हुए कल की बात, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी के राजकुमार मजीद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पांचों पत्नियों को जुए में हार कर सनसनी फैला दी है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी के राजकुमार मजीद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अपनी ड्रग्स और जुए की लत के चलते पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब्दुल्ला ने जब सिनई ग्रैंड में पोकर खेलना शुरू किया तो एक के बाद एक गेम वो हारते चले गए। जुआ खेलने के शौकीन पूर्व सऊदी नरेश के पुत्र मजीद बिन अब्दुल्ला 6 घंटे में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर गवा बैठे। इसके बाद भी जब अब्दुल्ला को सुकून नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पांच पत्नियों को 25 मिलियन डॉलर की रकम के बदले गिरवी रख दिया, जिसके बाद वो अपनी पांचों पत्नियों को भी हार गए। अपनी पांचों पत्नियों को उन्होंने दांव पर लगा दिया। दोस्तों इस कैफिनो में हफ्ता भर गुजारने के बाद प्रिंस अनलिमिटेड स्टेक्स वाली पोकर टेबल पर पहुंचे। कैसीनो के डायरेक्टर अली शमून ने बताया कि प्रिंस ने अपनी पत्नियों को गिरवी रखा। जब वो हार गए तो बिना अपनी पत्नियों को लिए वहां से चलते बने। और दोस्तों ये कोई पहला मौका नहीं है, पर कैसीनो में लोग ऊंट और घोड़े दांव पर लगाते हैं और बाद में उन्हें छुड़ा भी लेते हैं, पर ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने अपनी पत्नियों को हारने के बाद उन्हें वहीं पे छोड़ दिया। महिलाओं को गिरवी रखना या बेचना कुछ मिडिल ईस्टर्न देशों में अभी भी जायज है। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जल्द ही ये पत्नियां अपने वतन लौट जाएंगी। प्रिंस की इस हरकत से उनकी सरकार को शर्मिंदगी महसूस हो रही है और अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रिंस की पत्नियों को सऊदी अरब लौटाया जाएगा या नहीं, लेकिन ये संभावना है कि सऊदी की रॉयल फैमिली पैसा चुकाकर मामला खत्म कर दे। इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर समेश ने कहा कि सरकार सऊदी अरब की महिलाओं को अपने वतन लाने के लिए सभी संभव प्रयास करेगी और जल्द से जल्द उनके पति द्वारा ली गई रकम को चुकाकर उन महिलाओं को छुड़ा लिया जाएगा। प्रिंस इससे पहले भी कई विवादों में फंस चुके हैं। दोस्तों आपको हमारी ये सनसनीखेज खबर कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह की रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।